वरिष्ठ मेडिकल साइंस जो है ये जियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है, कार्निया ट्रांसप्लांट हो रही है, कहीं एक जगह नहीं हो रहा है किसी हॉस्पिटल में। अंडर वन अम्ब्रेला ये सारी चीज़ें इधर होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो पॉसिबल बन गया है अभी गवर्नमेंट की हेल्प से, और गवर्नमेंट बड़ी हमारे मदद करती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर है, मगर फर्स्ट ईयर के बावजूद भी इस मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जितनी कि आम मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं है। किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्टल के बेड्स तक भी मौजूद नहीं है, हालांकि वो मेडिकल कॉलेज बेहद तरक्की कर चुके हैं, मगर हमारा मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर होने के बावजूद भी हमें हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा तालीमी इदारा, तालीमी फैकल्टी हमारी सबसे बेहतरीन है। शायद हम ये कह सकते हैं कि हम बेहद ही खुशनसीब स्टूडेंट्स हैं जो हम डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी की क़यादत के अंदर यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा हर किस्म की सहूलियात उन्होंने हमें दी हैं, यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, IT डिपार्टमेंट, और हमारे 3-3 लेक्चर हॉल मौजूद हैं, हालाँकि अभी सिर्फ फर्स्ट बैच आया है मेडिकल स्टूडेंट का। चेयरमैन साहब बिलाल भुट्टो सरदार साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी काविशों से ये सारा बना है, उनकी मेहरबानी है कि वो गंबर के आवाम के ऊपर के उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया, कॉलेज दिया है, हर चीज़ दिए, बहुत शुक्रिया हम उसका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर से जरदारी साहब का भी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।